हमारे पास नो वो डिक्शनरी में जो है वो होना ही नहीं चाहिए, जो हमारी पर्सनल डिक्शनरी है, मैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात नहीं कर रहा हूँ, कि नो वर्ड होना नहीं चाहिए, नहीं है ही नहीं। एवरी थिंग इज पॉसिबल इन दिस यूनिवर्स, इट डिपेंड्स ओनली अपॉन योर कॉन्फिडेंस, आपकी सोच पे, आपके विजन पे। और अगर आपका पॉजिटिव सोच है, आपका पॉजिटिव आपके साथ एटमॉस्फेयर है, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हमारे पास क्या हो जाता है कि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसी नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ में आ जाती है जो हमें कहते हैं कि नहीं तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ है, तुम्हारा अभी तक क्यों नहीं हुआ है, हमने कर लिया है, वो बड़े नेगेटिव लोग होते हैं। तो एस्पिरेंट्स, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में ये एक इम्पॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, ये सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक्सक्लूसिवली जो JKSSB, JKPSC, सिविल सर्विसेज और जितने भी इम्पॉर्टेंट कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल प्लान, स्ट्रेटजी, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है और साथ साथ क्या अप्रोच लेनी है एग्ज़ाम को लेके, तो वो सब आज में एक स्पेशल पर्सनैलिटी प्रोफेसर डॉक्टर शमीम अहमद बांडे सर के साथ कर रहा हूँ। वेलकम यू ऑल सर इन आर यूट्यूब चैनल। सर, सबसे पहले सर की मेंटरशिप में काफ़ी स्टूडेंट्स ने इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए, चाहे वो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो JKS का एग्ज़ाम हो, JKSSB के वेरियस एग्ज़ाम्स हो। सर की मेंटरशिप में उन स्टूडेंट्स ने एक ऐसी अप्रोच और स्ट्रेटेजी के साथ किया जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है और एक प्लान होना चाहिए कि पाथवे जिससे आप इजली अपनी सक्सेस को जो है पा सको। शेयर कर दीजिए कि क्या अप्रोच रहनी चाहिए जब आप एग्ज़ाम या किसी कोई भी आपका प्लान होगा या कोई गोल होगा उसको अचीव करने के लिए। थैंक यू वसीम। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि किसी भी एग्ज़ाम आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको एक टारगेट फिक्स करना है। जब तक आपका कोई टारगेट नहीं होगा तो फिर आप प्रॉपर वे से स्मार्ट हार्ड वर्क नहीं कर सकोगे। वर्क हार्ड कर सकते हो लेकिन स्मार्ट हार्ड वर्क करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी एक मंजिल को फिक्स करना पड़ेगा एंड देन प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। नंबर वन पॉइंट ये है। नंबर दो, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो नेगेटिव पॉइंट मैंने देखा बच्चों में, कि बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि कोई क्या आपको बोलता है इस चीज़ को मैटर ही नहीं करता आपके फाइनल सिलेक्शन में। मैटर ये करता है कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आप कितना टाइम दे सकते हो, आपके पास कितनी एनर्जी है और उस एनर्जी को आप किस तरह से पॉजिटिव चैनलाइज कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले टारगेट को फिक्स करना है और फिर साथ में स्मार्ट हार्ड वर्क और कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। सर, जैसे आपने कॉन्फिडेंस की बात की, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। अगर बंदा कॉन्फिडेंट होगा तो तभी, काफ़ी स्टूडेंट्स में पोटेंशियल तो होता है लेकिन वो कॉन्फिडेंस को लैक कर जाते हैं या उसी की वजह से काफ़ी अटेम्प्ट्स देने के बाद वो सोचते हैं कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा सर? देखिए, सबसे पहले पहले बताऊँगा, हमारे पास नो वोट डिक्शनरी में जो है वो होना ही नहीं चाहिए, जो हमारी पर्सनल डिक्शनरी है, मैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात नहीं कर रहा हूँ, कि नो वोट होना नहीं चाहिए, नहीं है ही नहीं। Everything is possible in this universe. It depends only upon your confidence. आपकी सोच पे, आपके विजन पे। और अगर आपका पॉजिटिव सोच है, आपका पॉजिटिव आपके साथ एटमॉस्फेयर है, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हमारे पास क्या हो जाता है कि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसी नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ में आ जाती है जो हमें कहते हैं कि नहीं तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ है, तुम्हारा अभी तक क्यों नहीं हुआ है, हमने कर लिया है, वो बड़े नेगेटिव लोग होते हैं। तो मेरा यही मानना है कि जब आप बड़ी सोच रखोगे, जब आपका बड़ा कोई टारगेट होगा तो उसको टाइम लगना है, और जब आप बड़े टारगेट के पीछे करोगे ना, पीछा करोगे, तो फिर दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जब वो बड़ी किसी मंजिल की तरफ जाते हैं तो उनके सामने रुकावटें नहीं होती, बहुत सारी रुकावटें आएंगी। आपको उन रुकावटों से डरना नहीं है, आपको चलते रहना है, चलते रहना है, और अपने आप पे ये कॉन्फिडेंस रखना है कि एक वक्त ज़रूर आएगा हम इस एग्ज़ाम को, इस अपनी मंजिल को पालेंगे। और फिर जो कांस्टेंट हार्ड वर्क करता है, जो कांस्टेंट स्मार्ट हार्ड वर्क करता है विद फुल कमिटमेंट, विद फुल एनर्जी, विद फुल सिंसियरिटी, विद फुल डेडिकेशन, जीत उसी की होती है। सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा आपके लिए कि जो रिसोर्स की बात आ जाती है, अब काफ़ी स्टूडेंट्स एक डाउट में आ जाते हैं, एक एक सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल रिसोर्स को पकड़ते हैं, उनके लिए क्या होगा कि रिवीजन और रिसोर्स को कैसे लिया जाए सर, वो स्ट्रेटेजी बताइए। देखिए, सबसे बड़ी तीसरी नेगेटिव बात यही है कि हमारे पास अगर 5 बुक्स है ना, अगर फॉर एग्जांपल आप जम्मू एंड कश्मीर की किताब ले लें, J&K पे 5 आथर हैं, सेम बुक है,
मैं ए भी पढ़ूंगा, बी बी, सी बी, डी बी, ई बी, क्योंकि जो हमारे गाइड है ना वो कहते हैं कोई कहेगा कि इसकी बुक पढ़ो, कोई कहेगा इसकी बुक पढ़ो, ना तो हिस्ट्री चेंज हो सकती है, ना पॉलिटी चेंज हो सकता है, ना ज्योग्राफी चेंज हो सकती है, इकोनॉमी में हमारा थोड़ा बहुत चेंज आना है, हमारा पोटेंशियल उतना ही रहना है, करंट में थोड़ी बहुत चेंज आ सकती है। तो जब चेंज नहीं आ रहा है तो बार बार आप बुक्स को चेंज क्यों कर रहे हो? तो फ्लक्चुएशन जब भी आपकी इस चीज़ में आएगी, स्ट्रेटजी में आएगी, तो वो भी एक हर्डल क्रिएट करती है। तो आपको एक कोई अच्छी सी बुक लेके उस बुक को अच्छे तरीके से पढ़िए और पेन डाउन कीजिए। मेरा मानना यह है कि जब आप पेन डाउन करके ना कोई एक चीज़ प्रिपेयर करते हो, चाहे वो आपने 10 जगहों से पढ़ी होगी, तो आपको रिवीजन में तकलीफ नहीं होगी। वरना क्या होता है कि हमने 5 जगह से पढ़ा होता है और जब एग्जाम नज़दीक आता है तो हम जब रिवीजन के लिए जाते हैं तो उस वक्त हमें टेंशन हो जाती है, क्योंकि हम प्रॉपरली रिवाइज नहीं कर पाते, और उस टेंशन की वजह से जितनी हमारी प्रिपरेशन थी उसमें भी बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो हमको फिक्स्ड करना है अपना एक पर्टिकुलर एक किसी एक बुक को या एक पर्टिकुलर जो आपने नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, और उसको इजीली आप रिवाइज कर सकते हो। सर, अब जैसे सिविल सर्विसेज के एग्जाम में केएस के एग्जाम आ रहे हैं और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें ऑब्जेक्टिव हो, उसमें टेस्ट सीरीज का क्या इंपॉर्टेंट रोल लेगा, जिसमें रिवीजन को ऐड करके काफ़ी स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट सर वो सभी बुक्स को पढ़ लेते लेकिन रिवाइज नहीं कर पाते, तो सर रिवीजन के साथ टेस्ट सीरीज का क्या रोल रहता है? नहीं, टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है। देखिए, टेस्ट सीरीज से भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आप क्या कहते हैं, हमने देखा बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास भी बच्चे बहुत सारे जुड़े हुए हैं, हम भी जब टेस्ट रखते हैं तो बच्चा उस दिन मिस हो जाता है। भाई, आपका पढ़ाई मैटर ही इसी चीज़ पे करती है कि आप आउटपुट अपना देखें, कि आपने कोई एक यूनिट पढ़ा है, आप शाम को उसका टेस्ट दीजिए, या कलेक्टिव कोई टेस्ट आपका ले रहा है, कोई टेस्ट सीरीज चल रही है, आप वहाँ अपना वीक पॉइंट ढूंढिए कि किस एरिया में, किस कंपोनेंट में, किस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं, उसको उसमें आप इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कीजिए। टेस्ट सीरीज किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो मेरा मानना यही है कि MCQs की प्रिपरेशन कीजिए करें, और टेस्ट सीरीज जो है, चाहे वो किसी की भी हो, उसको ज़रूर आप उसमें अपीयर हुआ करें और अच्छे तरीके से, और जो वीक पॉइंट आप होता है उसको आप इम्प्रूव कर सकते। सर, एस्पिरेंट्स की एक और इम्पॉर्टेंट माइंड में एक फोबिया रहता है कि हाँ, हमें कहीं 24 आवर्स में से 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तो सर क्या टारगेटेड पढ़ाई करनी चाहिए या 18 घंटे बुक पे बैठा रहना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट रहता है वो आप बच्चों को बता दीजिए और उनके माइंड से ये चीज़ क्लियर कर दीजिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। बड़ी बार मैं बच्चों से पूछता हूँ क्या करते हैं, सर बस पढ़ाई 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 पढ़ाई, टाइम टेबल सर, सर 6 AM से लेकर रात के 2 बजे तक हम लोग पढ़ते हैं, मेरा मानना है ये पढ़ाई है ही नहीं। जब तक आप टाइम टेबल इस तरीके का नहीं बनाएंगे कि आज हमको फंडामेंटल राइट्स पढ़ के चाय पीनी है, तो फिर जब आप वो टारगेट होगा ना आपका, आवर्स का टारगेट नहीं है, टॉपिक का टारगेट है, तो आप जितना ज़्यादा आपके पास टाइम कम होगा, जितना आप उतने कम टाइम में उस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। आपने देखा, जब भी कोई कंट्रैक्टर किसी जगह पे कोई कंट्रैक्ट लेता है तो वो कितना जल्दी से काम करता है, और अगर आप किसी को डेली वेजर लगाएंगे तो वो डेली वाला बहुत स्लो काम करेगा, लेकिन कंट्रैक्ट पे कोई काम होगा तो बहुत तेज़ी से होगा। मेरा भी मानना यही है कि आप एक कंट्रैक्ट लिया करें कि हमको पॉलिटिकल साइंस का फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नर, प्रेसिडेंट आज पढ़ना है और रात का सोना है, तो फिर हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे, फुल फोकस्ड करेंगे, पूरी एनर्जी को एक पर्टिकुलर जगह पे लगाएंगे कि जितना जल्दी हम इसको पढ़ लेंगे तो हमने सोना है। और जब हमारी ये सोच होगी ना, तो आपकी ज़्यादा अच्छे तरीके से कंसंट्रेशन होगी। तो तीसरे नंबर पर आपने कहा कि लोग 18 घंटे पढ़ते हैं, मैं तो बिल्कुल इसके फेवर में नहीं हूँ कि 18 आवर्स के। मेरा मानना है 8 से लेकर 12 आवर, 8 to 12 आवर ऑनेस्टी वाले, ईमानदारी वाले, जिसमें आपने दुनिया को छोड़ना है, भूल जाना है, मोबाइल आपके स्विच ऑफ रहेंगे, इस बाहर वाली दुनिया का से कट ऑफ कर देना है 8 से 10 घंटे डेली बेस पे, तो दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत आपकी और आपके मंजिल पे, मंजिल के बीच में नहीं आ सकती। दुनिया का मुश्किल से मुश्किल एग्जाम भी आप क्वालिफाई कर सकते हो। एस्पिरेंट्स, जैसे आपको सर ने क्लियर बता दिया है कि आपको टारगेटेड पढ़ाई करनी है, आपको ब्रेक डाउन करना है अपना टारगेट्स को डेली, वीकली और मंथली बेसिस पे, और उनको अचीव करके तभी जाके आप इजीली सक्सेसफुल हो पाएंगे। इसके बाद सर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नोट मेकिंग स्ट्रेटेजी। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में नोट्स कैसे हेल्पफुल रहते हैं वो रोल बता दीजिए, और कैसे बनाने हैं नोट्स? देखिए, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है डिफरेंट बुक्स को पढ़ने के लिए। देखिए, अगर हमारी स्ट्रेटेजी है तो हम
तमाम जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हमको लगता है कि ये एक्सपेक्टेड है, किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है या पूछी गई थी, उसी के रिलेटेड आप नोट्स प्रिपेयर कीजिए। और नोट्स प्रिपेयर करने का भी एक स्टाइल होना चाहिए, एक टेक्निक्स होनी चाहिए कि आपको क्या करना है। आपको मिक्स नहीं करना है कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सी सैट सब इकट्ठा कर दें। नो, आपको स्मार्ट नोट प्रिपरेशन करना है कि पॉलिटिकल साइंस की एक आपकी अलग से सेपरेट नोटबुक होनी चाहिए, हिस्ट्री की अलग से, ज्योग्राफी की अलग से, इकोनॉमी की अलग से, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अलग से। क्योंकि जब आप रिवीजन करने जाते हो या आप आईज क्लोज करते हो, देखिए बहुत स्मार्ट एक बात बताने जा रहा हूँ कि जब आप रात को सोने के लिए जाते हो, आईज को क्लोज किया करें, और क्लोज करने के बाद जो भी आपने दिन को पढ़ा था आप उसको रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। और आप जब आप पढ़ रहे होंगे, अगर आपने ऑनेस्टली पढ़ा है, तो आपकी आंखों के सामने पूरा का पूरा वो मटेरियल चलेगा। और जो ही आप किसी जगह भूल जाते हो, फॉर एग्जांपल आप हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो आप भूल गए कि महमूद गजनवी कब इंडिया में आए, तो एकदम आपने हिस्ट्री की बुक निकाली और उसको देख लिया, और फिर वो जिंदगी भर आपको नहीं भूलेगी। तो नोट्स प्रिपरेशन करने के लिए आपको सेपरेट अपनी नोटबुक्स तैयार करनी है, और स्मार्ट नोटबुक नोट्स तैयार करने हैं, वो कि जो पूछे जा चुके हैं या एक्सपेक्टेड है या उसके रिलेटेड है या डिफरेंट, जो आपने जब बुक से देखा कि इम्पॉर्टेंट कोई डेट है, कोई एक्टिविटी है या कोई ऐसी चीज़ है, तो कोई डिस्कवरी है, उसके आप नोट्स बना लीजिए, वो इजीली आपको रिवाइज करने में भी मदद करेगा। सर जैसे कुछ एग्जाम्स हैं वो उनके लिए काफ़ी टाइम बाउंड चाहिए होता है, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम, उनमें एक स्ट्रेस बहुत बड़ा इशू रहता है कि स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई के साथ स्ट्रेस को और उनका जो फिजिकली जो है उनको कैसे अपने आप को स्ट्रांग रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ बता दीजिए। देखिए अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो स्ट्रेस लेके तो कोई काम होने वाला नहीं। हमेशा जिंदगी में एक चीज़ याद रखना, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस यूनिवर्स, हर चीज़ पॉसिबल है, बस डिपेंड करता है कि आपको अपने अपने आप पे कॉन्फिडेंस कितना है। अगर आपने स्ट्रेस ले लिया तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ध्यान से देखिए, मैं बड़ी बार एग्जांपल कोट कर चुका हूँ कि दरिया जो है ना, जब वो नदी किसी पहाड़ से निकलती है तो वो रास्ते में ये कभी भी नहीं देखती है, कभी सोचती नहीं है, कभी रुकती नहीं है कि रास्ते में पहाड़ भी आएंगे, जंगल भी आएंगे, दीवारें भी आएंगी, बल्कि वो अपने टारगेट की तरफ चलती रहती है, चलती रहती है, और एक वक्त आता है कि वो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाती है। इसीलिए दोस्तों हाथी, और मैंने एग्जांपल दी थी हाथी और रैबिट की, रैबिट जो है वो 4 महीने में बच्चे देना शुरू कर देता है, तो हाथी 21 मंथ मीन 600 डेज वेट करती है हथनी, और उसके बाद जाके वो एक बच्चा देती है। 30 साल की उम्र में जाके वो सेक्चुअली मैच्योर होती है, और रैबिट 6 महीने में सेक्चुअली मैच्योर हो जाता है। तो वो हिम्मत नहीं हारती है, क्योंकि जब बड़ा कोई हासिल करना है ना, तो फिर आपको अपने आप पर एक भरोसा करके, स्ट्रेस से बिल्कुल फ्री होके, एक अच्छे एटमॉस्फेयर में रह के आपको उस एग्जाम को भी पार करना है और बड़ी बड़ी मुश्किलात को भी पार कर देना है। ये गरीबी, ये देखिए, ये अमीरी, ये बंगले, ये गाड़ी, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी, ये कास्ट, ये कलर, ये क्रीड, ये रिलीजन, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैटर नहीं करती हैं। मैटर करते हैं सिर्फ आपकी कॉन्स्टेंट हार्डवर्क और पूरा कॉन्फिडेंस। जैसे सर ने आपको पूरी स्ट्रेटेजी शेयर की, चाहे वो अप्रोच की बात हो, टाइम टेबल की बात हो, टाइम को कैसे मैनेज करना है, रिसोर्सिस की, वो स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें सर ने डिस्कस की हैं। सर ने खुद अपनी क्लासेस में बच्चों को ये सब अवेयर करते हैं, वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए सर ये क्लासेस देते हैं अपने सुपर 30 कॉलेज ऑफ कॉम्पिटिशन्स में, और सर की मेंटरशिप में ऑलमोस्ट 200 to 300 स्टूडेंट्स ने वेरियस एग्जाम्स क्वालिफाई किए, चाहे उनमें IAS के हों, KS के एग्जाम्स हों। तो थैंक सर कि आपने हमें अपना इम्पोर्टेंट टाइम दिया। एक आखिरी बात मैं आपके से कह दूँ कि स्ट्रेस से बचने के लिए एक और भी है, कुछ वक्त अपने लिए भी निकालना है। जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, थक चुके हैं, तो थोड़ा सा ये जो खूबसूरत इन्वायरमेंट है ना, इसमें जाया करो, चाहे वो शाम को हो, चाहे वो सुबह हो, आप ज़रूर जाया करें, तो बिल्कुल अपने आप को फ्रेश फील करेंगे। सर ने ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी बता दी, चाहे स्ट्रेस को मैनेज करना हो और वेरियस एग्ज़ाम की जितने भी स्टेप्स हैं जिसके बाद आप इजली जो है अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। सर आज की इस हमारे इंटरव्यू में शुक्रिया आने के लिए हमारे प्रोग्राम में। आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में भी वेरियस एग्जाम्स के लिए हम आपसे स्ट्रेटेजी लेते रहेंगे और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।